नेल जो है प्रॉपर ग्रो करके बाहर निकलेगा, क्लियर। अब उसके बाद हम जितने भी स्टेप्स देंगे फिंगर्स में, वो स्टेप प्रॉपर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आएंगे, जिसमें का वाइब्रेशन आएगा, टाइपिंग आएगा, नीडिंग आएगा, पुशिंग आएगा एंड वाइब्रेशन आएगा, क्लियर, नीडिंग आएगा। ये सारे स्टेप्स जो ये फॉलो करने के बाद, उसके बाद सबसे पहले हम क्रीम से मसाज देंगे, जिसमें ये पांचों को पांचों स्टेप्स जाएंगे। फिर उसके बाद आपको स्क्रब देंगे, स्क्रब में फिर ये पांचों स्टेप्स रिमूव होंगे, रिपीट होंगे। फिर उसके बाद आपका पैक जाएगा। कई बार क्या होता है कि किसी की स्किन इतनी डार्क होती है, एंकल्स इतने डार्क होते हैं कि रिमूव नहीं होते, उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम ब्लीच का यूज़ करेंगे। इसके ब्लीच ब्लीच जो होती है, इसमें फेस ब्लीच नहीं जाएगी, रादर दैन हम इसमें बॉडी ब्लीच आती है, क्योंकि बॉडी ब्लीच का एक्टिवेटर काफ़ी हार्ड होता है एज कम्पेरिजन टू फेस के एक्टिवेटर से, क्लियर। वो स्किन डेड स्किन रिमूव होगी। हम फिर उसके बाद हम उसका पैक फेस पैक लगाएंगे, सॉरी पैक लगाएंगे। पैक लगाने से क्या होगा, जो हमने स्किन को लूज किया तो स्किन को टाइटनेस फील कर देगा, क्लियर। ये सारा प्रोसीजर है आपका पैडिंग। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, आप ये देख लीजिए। मैंने सारा सामान पहले ही इसके अंदर डाल दिया था, 5 ml अमोनिया, 5 ml हाइड्रोजन और शैम्पू होता है, जिस तरह से नहीं होगा। अब हम एक बार चेक करेंगे कि इनके स्किन पे ये रिंकल्स आ गए, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये अमोनिया ने अपना वर्क कर दिया है, अमोनिया और हाइड्रोजन ने अपना वर्क कर दिया है। मैंने पहले ही इनके नेल पॉलिश जो है रिमूव कर दिया, ताकि डेड स्किन, अब ये देखो इनकी जो पहले हमने इसमें क्या किया था, जितना था सारी क्यूटिकल डेड स्किन निकाली थी, क्लियर। अब ये हमने क्यूटिकल क्रीम ली है, इसे पूरे नेल्स पे लगाएंगे, जिससे कि हम डेड स्किन निकालें, इससे आपके नेल्स जो है रफ हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्लियर। इसमें प्रॉपर थंब से मसाज आते हैं हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। जिससे कि नेल ग्रो करे, प्लस नेल थोड़े देखने में बड़े लगे और अच्छे लगे। ये ब्रश है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये नहीं इसके ऊपर भी होता है, यूज़ करते हैं।
सोल होता है यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि इसकी शेप सोल की तरह बनी है ना, इसलिए पांव के सोल पे जाती है। जितने भी एक्सपर्ट क्रैक्स की लेंस भी सारे रिमूव करते हैं। अभी तक क्या तक वाइब्रेट दिख रहा है, खत्म हो गया।
चाहे ना सुने, उसका असर हो जाता है। 10 मिनट से ऊपर नहीं। हमारी कोशिश तो ये होती है कि उनको कस्टमर को नीचे सॉक्स पहना के बाहर भेजते हैं, पर कुछ कस्टमर ऐसे थे सॉक्स पहन के नहीं आते हैं। अगर पेडिक्योर उसने करवाया है, डायरेक्टर से बाहर निकले तो धूल मिट्टी चिपक जाएगी, फिर उसमें क्या है स्किन ग्लो नहीं होगी, जो हमारे पोर्स ओपन है उसके अंदर डस्ट चली जाएगी। क्लियर? इसलिए हम पैक लगा दें ताकि किसी हद तक वो डस्ट को अंदर पोर्स तक ना जाने दें। लास्ट में जो स्टेप होता है वही नेल पेंट लगाने का, वैसे हम अवॉइड करते हैं लेकिन कस्टमर को 3 टाइम्स वार्निंग देते हैं। अगर कहता है, अगर अग्री कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या है कोट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 3 टाइम्स कोट करेंगे। फर्स्ट टाइम आप आकर बेस कोट जो कि व्हाइट कलर या ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, उसके बाद जो भी उसको नेल पेंट लगाना है उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग नेल पेंट दो कोट जाएंगे, उसके बाद फिर बेस कोट जाएंगे। टॉप कोट जाएगी, ठीक है, ये आपका हो गया पेडिक्योर। अब देख लीजिए पैक।